महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राव दानसिंह ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कई गांवों में जनसभाएं की। इन सभाओं में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखे आरोप लगाए और कहा कि पिछले 10 साल से सत्ता में रही भाजपा सरकार ने किसानों और जवानों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ क्षेत्र किसानों और जवानों का इलाका है, लेकिन भाजपा सरकार ने इन्हीं दो वर्गों को सबसे अधिक प्रताड़ित किया है। प्रदेश का हर वर्ग आज भाजपा सरकार से दुखी और हताश है। कांग्रेस के शासनकाल में हरियाणा विकास के मामले में देश में सबसे आगे था, लेकिन अब बेरोजगारी और अपराध के मामले में राज्य सबसे ऊपर है। कांग्रेस नेता ने जनता से आह्वान किया कि वे इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करें और कांग्रेस को मौका दें ताकि प्रदेश की खोई हुई शान वापस आ सके। बहुत जबरदस्त समर्थन है, आप देख रहे हैं रात्रि के 10 बजने वाले हैं और अब भी भाई लोगों का प्यार उसी तरह से दिख रहा है। तो तय कर दिया, अब कांग्रेस को सत्ता देंगे और भाजपा को सत्ता से विहीन करेंगे। जिस तरह से इलाके में क्या मुख्य समस्या है जो लोगों, सबसे बड़ी बेरोजगारी, उसके बाद महंगाई है, फिर विकास है, फिर कानून दुखी दुखी कानून व्यवस्था। और सच्चाई बात यह ना, किसान मजदूर यानी ये व्यापारी कर्मचारी कोई भी संतुष्ट नहीं है, सब असंतुष्ट हैं और कह रहे हैं सरकार से पीछा छोड़ो। ठीक है जनाब, विप्लव देव का जो बयान आया था उसके खिलाफ जो नॉर्मल बार एसोसिएशन उसके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, उसको लेकर भी रोष है लोगों में। तो देखिए बेसिकली वो जो बयान इस तरह का था कि जो मैं समझता हूँ कोई एक ही संजीदा कोई नेता इस तरह का बयान नहीं दे सकता, ये तो संकीर्ण मानसिकता की बात है। अगर ये व्यक्ति अगर बड़े नेता ही करने लग जाएंगे तो फिर उसके बाद उनमें और आम आदमी में फर्क क्या रहेगा। सुरेंद्र पवार को भी हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत दी गई है सर। बिल्कुल, होनी थी वो तो, इसमें कोई दो राय नहीं, पहले प्रक्रिया में था, कोई दिक्कत नहीं।